नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऑल्टो K10 के म्यूजिक सिस्टम में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई ऑप्शन नहीं है, इस कमी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं एक डिवाइस के थ्रू जानेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनकी कार में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो लोग अपने फ़ोन को कार के म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करके म्यूजिक और वीडियो का आनंद ले सकते हैं, साथ साथ कॉल रिसीव और कॉल भी कर सकते हैं किसी को, तो हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल के साइन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ये डिवाइस खरीदना पड़ेगा। ये जो डिवाइस है मैंने अमेजोन से करीब 6 महीने पहले ख़रीदा था, करीब 300 रुपये का। तो ये जो डिवाइस है इसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अपने म्यूजिक सिस्टम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस डिवाइस में क्या क्या चीज़ दी गई है। दोस्तों, ये जो आपको स्विच दिख रहा है ये पावर बटन स्विच है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसमें एक लाइट जलेगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक माइक दिया गया है, साथ में यहाँ पर ऑक्स के लिए जगह दी गई है दोनों साइड से। आप इसमें ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं। और ये जो कनेक्टर दिया गया है ये इसी के साथ आता है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे ही मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करता हूँ अपनी कार का, तो आप देखेंगे यहाँ पर मोड का ऑप्शन दिया है। मोड की बात में करते हैं तो इसमें कनेक्टिविटी कौन कौन सी दी गई है दोस्तों। CD प्लेयर दिया गया है इसमें, USB कनेक्टिविटी दी गई है और ऑक्स। तो हम इसको ऑक्स के पोर्ट में इस तरह से लगा दें। यहाँ हम अपने ऑक्स की केबल लगाते हैं, वहाँ पर इसको इस तरह से लगा देंगे। फिर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों मोड दिए गए हैं, CD मोड, USB मोड और ऑक्स। हमें ऑक्स पर आकर इसमें जो स्विच दिया गया उसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। पावर ऑन, जैसे ही मैंने पावर ऑन किया ये मैसेज से वॉइस मैसेज के थ्रू बता दिया इसने मुझे कि पावर ऑन हो गया है और रेडी टू पेयर, यानी कि कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ से ये तैयार है। तो हम चलते हैं, मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है दोस्तों, तो मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ। सर्च पे क्लिक किया मैंने, देखिए सर्च करते ही ये डिवाइस का नाम आ गया VT रिसीवर, ब्लूटूथ रिसीवर। इस पे मैं क्लिक करूंगा, फोन कनेक्टेड। तो ये इसने मुझे वॉइस मैसेज दिया कि फोन कनेक्टेड। ठीक है, अपना फोन अब इससे कनेक्ट हो चुका। तो अब देखिए दोस्तों, मैं म्यूजिक चालू करता हूँ। देखिए अब जो भी मैं सॉन्ग बजा रहा हूँ वो मेरे कार के म्यूजिक सिस्टम में सुनाई दे रहा है। तो जो भी मैं सॉन्ग सुनना चाहता हूँ अपने फोन का अपनी कार में, तो ये डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करके अपना फोन सुन सकते हैं, साथ में वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चूँकि दोस्तों मैं ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुना पाऊँगा, कॉपीराइट का इशू होता है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब इस डिवाइस की एक ख़ास बात और बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं या कॉल करते हैं तो आपको नंबर डायल करके इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको अपना फ़ोन कान से लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और चलती गाड़ी में आप केवल फ़ोन को पिक करने के लिए आप केवल कॉल रिसीव कीजिए और फ़ोन को साइड में रखिए। इसमें जो माइक दिया उसके थ्रू आपकी आवाज़ सामने वाले के पास जाएगी और स्पीकर के थ्रू आपके पास सामने वाले की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में म्यूजिक के साथ साथ कॉल रिसीव और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये डिवाइस मुझे कम कीमत पर बहुत ही अच्छा लगा
मार्केट में काफ़ी तरह के डिवाइस हैं दोस्तों, तो अगर आप ये डिवाइस को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। अगर आप खरीदेंगे तो थोड़ी सी हेल्प मेरे को मिलेगी। जो भी मैसेज वगैरह आए आपके म्यूजिक सिस्टम में सुनाई देगा, जैसे अभी सुनाई दिया। तो आशा है दोस्तों ये डिवाइस आपको पसंद आया होगा और मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।